नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूँ। टॉयलेट एक प्रेम कथा। दोस्तों, एक ऐसे विषय पर बनी फिल्म जिसके बारे में हम पब्लिक में बात करने में भी संकोच महसूस करते हैं, और ऐसे विषय पर इतने मनोरंजक तरीके से फिल्म बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। और ऐसे कठिन विषय पर फिल्म बनाने में और उस फिल्म को न्याय देने में अक्षय कुमार जी पूर्ण रूप से सफल हो पाए हैं, ऐसा मैं ये फिल्म देखकर कह सकता हूँ। दोस्तों, फिल्म कहीं पर भी अपने विषय से भटकी नहीं है। इस फिल्म के जरिए वो लोगों तक जो संदेश पहुंचाना चाहते थे उसमें वो पूर्ण रूप से सफल हो पाए हैं। आज भी हमारे देश में करोड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो खुले में शौच के लिए जाने के लिए मजबूर होती है, और उनकी जो परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं, वो बहुत ही बढ़िया ढंग से इस फिल्म के जरिए हमारे सामने रखने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आज तक हमारी जो एक समझ थी कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं होता गांवों में, इसलिए गरीबी की वजह से वो घर में शौचालय नहीं बना पाते, ऐसी बहुत लोगों की एक समझ है। लेकिन ये पूर्ण रूप से गलत सोच है हमारी, ये इस फिल्म के जरिए मुझे पता चला है कि भाई पुरानी जो एक गलत मान्यताएं हैं, गलत रूढ़ी परंपरा है, जिसे लोग रूढ़ी परंपरा समझ बैठे हैं, हालांकि ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है, फिर भी गलत धारणाओं की वजह से लोगों ने एक मन बना लिया है गांव में कि भाई जिस घर में हम पूजा पाठ करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, वहां पर हम शौच कैसे कर सकते हैं। ये जो एक गलत धारणा, गलत रूढ़ी परंपरा है लोगों ने बनाई है, इसको मेन विलन के तौर पे इस मूवी में दिखाया गया है, और उस गलत सोच को किस प्रकार से नष्ट करना है ये इस फिल्म के जरिए हमारे सामने रखा गया है। और ये जो गलत रूढ़ी परंपराएं हैं, गलत सोच है, इनके प्रतीक के रूप में अक्षय कुमार जी के पिता यानी सुधीर पांडे जी को और गांव के सरपंच को यहां पर दिखाया गया है। तो चलिए एक एक करके फिल्म के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर है श्री नारायण सिंह जी। दोस्तों, इस फिल्म ने सब नहीं अपने अपने ढंग से बहुत ही बढ़िया काम किया है, सिवाय डायरेक्टर के। डायरेक्टर की कुछ गलतियां हमें यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है, जैसे कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खींचा है। कुछ बिना मतलब के सीन वहां पर है जिनको काटा जा सकता था, जैसे कि अक्षय कुमार जी के मांगलिक दोष के निवारण के लिए उनकी जब भैंस के साथ शादी होते हुए दिखाई गई है, उसके पहले उनको खेत में उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि भूमि पेडनेकर नहीं होती, एक दूसरी लड़की वहां पर दिखाई गई है, उसकी गोद में सर रखकर सोते हुए दिखाया गया है। अब इस सीन की पूरे फिल्म में कोई भी जरूरत नहीं थी, ना ही उनके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर इस सीन की कोई जरूरत थी। और उस सीन में भी जब अक्षय कुमार जी का क्लोजअप शॉट लिया जाता है तो वहां पर उनके इतने बड़े क्लेवेज को दिखाया जाता है उस लड़की के। अब देखिए, इस सीन की कोई भी जरूरत नहीं थी पूरे फिल्म में, थोड़ा सा मुझे वो चीप लगा। अगर वो ऐसे सीन काट दिए जाते तो फिल्म और भी देखने में मजा आता। एक और सीन ऐसा मुझे लगा, जैसे कि अनुपम खेर जी और उनके परिवार को ज्यादा पढ़ा लिखा या फॉरवर्ड दिखाने के लिए वो अपने घर में सनी लियोनी की बेबी डॉल सॉन्ग को देखते हुए दिखाए गए हैं। अब यार, कोई पढ़ा लिखा आदमी, उसको अगर पढ़ा लिखा हुआ दिखाना है तो क्या सनी लियोनी का बेबी डॉल सॉन्ग सुनते हुए दिखाना जरूरी था? और वो भी अपने घर की बहू के सामने, बेटी के सामने ऐसी फिल्में देखते हुए दिखाना, ये मुझे मतलब किसी को पढ़ा लिखा दिखाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें दिखाना मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसे ही कुछ सीन्स है फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो मुझे ठीक नहीं लगे, जिनको काटा जाता तो फिल्म देखने में और भी मज़ा आता। तो फिल्म को कुल मिलाकर फर्स्ट हाफ में खींचा गया है, लेकिन जो सेकंड हाफ है वो सच में बहुत ही बढ़िया ढंग से डायरेक्ट किया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सेकंड हाफ में फिल्म ज़्यादा क्रिस्प है और बहुत ही देखने में हमें मज़ा आता है, और इमोशनल टच फिल्म के सेकंड हाफ में ज़्यादा है, पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म के सेकंड हाफ में देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों, अक्षय कुमार जी, भूमि पेडनेकर, दिव्येंदु शर्मा, सुधीर पांडे जी और अनुपम खेर जी सब ने ही अपनी एक्टिंग के जरिए फिल्म में चार चांद लगाने का काम किया है। अक्षय कुमार जी ने तो सच में हमारा दिल जीत लिया है। रुस्तम, बेबी, हॉलीडे, इन जैसी देशभक्ति पर फिल्मों के बाद उनके सर पर एक और ताज चढ़ गया है, टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिंग में हमारा कोई दिल जीतता है तो वो है सुधीर पांडे जी, जिन्होंने अक्षय कुमार जी के पिता के रोल में यहाँ पर वो हमें दिख रहे हैं, और सच में एक विलन के तौर पर उन्होंने यहाँ पर इतना बढ़िया तरीके से रोल निभाया है। एक टिपिकल गांव के लोग जैसे होते हैं, उनकी याद हमें उनके रोल को देखकर आ जाती है। भूमि पेडनेकर ने भी एक सशक्त महिला के तौर पर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना रोल निभाया है। तो कुल मिलाकर सभी अपनी एक्टिंग के द्वारा हमारा दिल जीतने में सफल हो पाए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। दोस्तों, फिल्म में दो सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनका म्यूजिक बहुत ही कैची है, और बाद में वो गाने हम गुनगुनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हसमत पगली प्यार हो जाएगा और गोरी तू लठ मार, दोनों ही गाने बहुत ही बढ़िया है और बाद में हम उनको गुनगुनाते रहते हैं, इस प्रकार के ये गाने हैं। दोस्तों, ये स्टोरी इंस्पायर्ड है प्रियंका भारती जी के जीवन से, जिनको हमने विद्या बालन के साथ टीवी पर कई बार एड में देखा है। उन्होंने भी इसी प्रकार से टॉयलेट न होने की वजह से पति के घर को छोड़ दिया था, तो उनके ही जीवन से ये फिल्म इंस्पायर्ड है। फिल्म खत्म होने के बाद उनका फोटो भी वहां पर दिखाया जाता है और उनको क्रेडिट भी दिया जाता है। और
जो बदायूं में पिछले बार जो रेप हुए थे, दो बहनों को रेप करके वहां पर पेड़ पर लटकाया गया था, ऐसे जो गंभीर घटनाएं हैं उनका भी जिक्र इस फिल्म में किया गया है। उसके साथ में ही 4 साल पहले यानी कांग्रेस के शासनकाल में जो कुछ शौचालय के लिए निधि मिलता है सरकार की तरफ से, उसको लेकर के जो घोटाले होते हैं, उन जो हजारों करोड़ के घोटाले हुए थे, उनका भी जिक्र इस फिल्म में किया गया है। दोस्तों इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की। 4.5 में इसको रेटिंग दूंगा। आधा स्टार मैंने इसलिए कम दिया क्योंकि श्री नारायण सिंह जी ने जो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा फिल्म को खींचा है वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया। बाकी फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है, आप बिल्कुल थिएटर में जाकर ये फिल्म देख सकते हैं, आपके पूरे पैसे वसूल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अक्षय कुमार जी हमारा फिर से एक बार यहाँ पर दिल जीत रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, आप अपने विचार मेरे साथ नीचे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने ये फिल्म देखी तो फिल्म कैसी लगी ये भी आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।